बेगूसराय बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी एक पंचायत के झमटिया गांव स्थित एनएच 28 पर कोल डिपो के सामने मंगलवार की शाम बस में यात्रा कर रही यात्री को खिड़की से झांकने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद बस रुकते ही यात्री समेत बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेगूसराय से सीतामढ़ी जा रही डीवीएस यात्री बस झमटिया कोल डिपो के समीप जैसे ही पहुंची दसिंगसराय से बेगूसराय की ओर तीव्र गति से जा रही अनियंत्रित ट्रक ने सामने से ठोकर मार दिया, जिससे बस में यात्रा कर रहे एक यात्री का सिर टूट गया और घटनास्थल पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। वह देखने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना बछवाड़ा थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पाकर बछवाड़ा थाने की पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत के लोदियाही गांव निवासी अताउल राय का 35 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार राय के रूप में की गई है। बछवाड़ा थाना पुलिस घटना की सूचना मृतक के परिजन को दिया। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन बछवाड़ा थाना पहुंची। बछवाड़ा थाने की पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि उक्त युवक की मौत से मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। युवक अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गया है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अरे की बात है, की बात है, हां बोले। गाड़ी जब पैसेंजर गाड़ी आ रही थी उसमें सबसे पीछे वाले सीट पर एक पैसेंजर बैठा हुआ था, सर बाहर किया है। उसके दूसरे पैसेंजर इधर कोई गाड़ी जा रही थी उसे मारने क्रम में पूरा इसका उनका शकल उड़ गया। उसके बाद प्रशासन बसवारा थाना फोन किया गया था। बड़ा बाबू उनके बाद में आ गए, उनको लेके थाना चले। जो बस से गर्दन निकाल के छूट फेंक रहे थे सवार, इधर से जो है टीका पाया और मारते हुए चला गया, वो तो मृत हो गया।